हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मौशमी मिनी पार्क से, और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, आजकल मैं बहुत सारा DIY आप सबके साथ शेयर कर रही हूं, और वो आप सब बहुत पसंद भी कर रहे हो, और इसलिए मैं बहुत ही खुश हूं। और आज फिर से मैं एक DIY आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन पहले ही बता दूँ, ये कोई यूनिक सी आइडिया नहीं है, बहुत ही एक कॉमन आइडिया है। लेकिन उस कॉमन आइडिया को मैंने अपने काम में कैसे लाया, वो दिखाना तो बनता है। तो फ्रेंड्स, आज वही मैं शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा जो रूम है वो तो दादा और परी के खेलने की जगह है, और मेरा जो घर है वो हर टाइम मेसी बना रहता है। तो देख ही सकते हो मेरा घर का जो हालत। तो इसीलिए मुझे एक ऑर्गेनाइज़र ऐसी जो मेरे घर की ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई ना करे लेकिन मेरा काम बन जाए, ऐसी ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत थी। तो इसलिए मैंने दादा और परी के लिए बनाया था कार्डबोर्ड से ऑर्गेनाइज़र, जो एक हैंगिंग शेल्फ जैसी है, लेकिन वो बहुत ही तामझाम के काम है। तो ये रहा वो कार्डबोर्ड के जो ऑर्गेनाइज़र, तो ये तो बहुत ही तामझाम, जैसे कि मैंने बोला है, वो ऐसे करा है मैंने। और मैंने नोटिस किया, ये देखने में तो सुंदर है लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए सही नहीं है, खासकर बच्चों के लिए। बच्चे अभी तो इसमें रख रहे हैं खिलौने, लेकिन कुछ दिन बाद ये ख़राब होने वाले हैं ज़रूर। तो मुझे चाहिए कुछ ऐसी जो लॉन्ग टाइम के लिए चल जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना प्लास्टिक के बास्केट से मैं वो ऑर्गेनाइज़र बनाऊं। बाज़ार में तो बहुत सारे प्लास्टिक के बास्केट्स मिलते हैं, तो उन्हीं में से मैंने कुछ खरीदे हैं, और मैंने खरीदे हैं इस टाइप के कुछ बास्केट्स, और ये 30 रुपये ईच पड़ता है। और इसको मैं बनाने वाली हूँ मेरे दादा और परी के लिए ऑर्गेनाइज़र, जो बिखरे हुए खिलौने घर पर पड़े रहते हैं उसके लिए। और सिर्फ खिलौना क्यों, आजकल जो माहौल बने हैं, जो सामान घर पे आते हैं वो तो आते ही तुरंत हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, 24 घंटे पड़े रहने देते हैं, उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं। तो वो सामान यूं ही पड़े रहे, उससे बेहतर यही होगा कि इस टाइप की कोई ऑर्गेनाइज़र अगर हो तो उसी में रख सकते हैं, दिखने में भी सुंदर लगेगा और काम भी बन जाएगा। तो देख ही सकते हो मैं किस तरह ये ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। और ये जो रोप मैंने इस्तेमाल में लगा रही हूँ, असल में ये जो स्टोव होते हैं, केरोसिन स्टोव, उसके जो रस्सी, वही। तो जेके को रस्सी लाने को कहा था, तो समझाने के लिए मैंने कहा था कि स्टोव के होते हैं उस टाइप की, तो स्टोव के ही लेकर आए हैं। लेकिन क्योंकि ये खरीद के लाए हैं, ये तो नहीं फेंक सकती हूँ मैं, तो इसी को ही काम में लगाते हुए ये ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया है। तो देख ही सकते हो दादा और परी बहुत खुश है। और यकीन मानो, ये बनाने के बाद मेरे घर एकदम मैसी नहीं है। हर टाइम वो लोग ये सारे निकलते हैं, खेलते हैं, और फिर वापस जगह पे रख देते हैं। तो ये रहा पहला ऑर्गेनाइज़र जो कि मैंने प्लास्टिक बास्केट से बनाया है, और ये रहा दूसरी
दादा परी तो चाहते हैं कि टॉयज रखी जाए, लेकिन मैं रखना चाहती हूँ प्लांट्स। लेकिन घर की भी डिमांड है, तो घर के सामान रखने के लिए भी एसी ऑर्गेनाइज़र बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही कम जगह लगते हैं और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत, और सामान भी ठीक ठाक ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। तो होप करती हूँ ये आइडिया आप सबके पसंद आए होंगे। तो फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, और पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर से मिलते हैं एक और DIY वाली वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय।